नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, पेश है 5 अक्टूबर और गुरुवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 1 करोड़ परिवारों को एक्स्ट्रा फूड पैकेट देगी सरकार। अन्नपूर्णा फूड योजना के लिए आपको दा देगी 360 करोड़ रुपए मंजूर। प्रदेश में चल रही अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदेश के करीबन 1.6 करोड़ परिवारों को चुनाव से पहले एक और एक्स्ट्रा फूड पैकेट मिलेगा। सीएम गहलोत ने इसके लिए 360 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दीपावली और दूसरे त्योहारों के मौके पर एक्स्ट्रा फूड पैकेट देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने हाल ही में की थी। इसी के तहत ही आपको बता दें कि नारायण जी माता जी धाम विकास के लिए भी 2.69 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दिए जाने वाले नियमित फूड पैकेट के अलावा एक और फूड मिलेगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 48 लाख वोटर और बढ़े। राजस्थान में इस बार 5.26 करोड़ से ज्यादा वोटर सरकार का चुनाव करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटर लिस्ट फाइनल कर दी है और 2018 में हुए विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार 48,91,545 लाख वोटर्स बढ़े हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में आज बंद रहेगी बिजली। जयपुर में आपको बता दें कि आज 130 से ज्यादा इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली कटौती की जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार ने फिर किए देर रात 9 IPS और 2 IAS के तबादले। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार लगातार फील्ड में अधिकारियों के ट्रांसफर कर रही है और इसी क्रम में मंगलवार देर रात राज्य सरकार ने 9 IPS और 2 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर कर डाले हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत बोले, मोदी जी आप पर कौन विश्वास कर सकता है। पीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने राजस्थान पर धावा बोल रखा है। जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में उसी बयान पर पलटवार कर सकते हैं। पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि हम 4 साल से लगातार प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, उस पर तो कुछ बोले नहीं, आपने गोलमाल कह दिया कि वेलफेयर स्कीमों को हम लागू रखेंगे। गहलोत ने पीएम से कहा, आपके ऊपर कौन विश्वास कर सकता है कि आप जो कह रहे हो वो लागू होगा, पहले केंद्र में लागू करो तब हम मानेंगे कि वास्तव में आपने किस रूप में बात कही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आचार संहिता लगते ही अटक जाएंगी 45,000 भर्तियां। 65,000 पदों पर हो रही कुल 27 भर्तियों पर भी नजर रहेगी असर। आचार संहिता से पहले भर्तियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे युवाओं की उम्मीदें टूटने तय लग रही हैं। अगले 10 दिन में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में 65,000 पदों पर हो रही 27 भर्तियां प्रभावित होंगी। ये भर्तियां फिर अगले साल ही पूरी हो जाएगी। आचार संहिता के चलते 14 भर्तियों के 45,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अटकने वाली है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, यात्री के इशारे पर रुकेगी ट्रेन, पीएम करेंगे आज उद्घाटन। पीएम मोदी राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे, जो यात्रियों की सीटी पर रुकेगी। ये ट्रेन राजस्थान का छोटा कश्मीर कहे जाने वाले गोरम घाट और सबसे ऊंचाई से गिरने वाली भीलबेरी का झरना जैसे सबसे अनोखे नजारे दिखाएंगी। 2 घुमावदार टनल के बीच से ये ट्रेन गुजरेगी। ट्रेन को 150 साल पुराने भाप के इंजन की तरह हेरिटेज लुक दिया गया है। ये ट्रेन सप्ताह में केवल 4 दिन ही चलेगी और किराया प्रति यात्री 2,000 रुपए होगा। अरावली की पहाड़ियों के बीच गुजरेगी ट्रेन, प्रदेश की एकमात्र ट्रेन जो यात्री के इशारे पर रुकेगी, यानी यात्री सीटी बजाएगा और ट्रेन वहीं रुक जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, 70,000 मंत्रालय कर्मचारियों को प्रमोशन देगी सरकार। विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। गहलोत सरकार लंबे समय पेंडिंग चल रहे कर्मचारियों की प्रमोशन की आज डिमांड पूरी कर रहे हैं। इसके तहत अधीनस्थ विभाग में मंत्रालय संवर्ग के करीब 70,000 कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए पदों में बदलाव किया है और सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। अब पदों का पुनर्गठन किया जा सकेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को नई ग्रेड पे देने की एक अन्य फाइल वित्त विभाग से सीएम को भेजी है। सरकार इस पर भी जल्दी फैसला लेने वाली है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पीएम मोदी राजस्थान में आज करेंगे 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 5 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। यहां वे 17,600 करोड़ से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी राजस्थान में आज करीबन 11 बजे के आसपास जोधपुर है। यहां वे एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखने वाले हैं, जिसे 425 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
साथ ही जोधपुर आईआईटी देश को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी सीएम अशोक गहलोत के गढ़ में आज दमदार भाषण देंगे। राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज जो ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाने वाले है। वही बड़ी खबर, उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी, रुपए 200 से बढ़कर 300 रुपए। 14 किलो वाले सिलेंडर की भोपाल में कीमत 608, दिल्ली में 603। केंद्र सरकार ने बुधवार से 4 अक्टूबर को उज्ज्वला योजना में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा की है। सब्सिडी के साथ ये सिलेंडर पहले 708 रुपए में मिल रहा था, अब मात्र 608 रुपए में मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9.6 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं और इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। इस योजना में आपको बता दें कि कुल मिला के बात यह है कि सरकार ने पहले 200 रुपए की कटौती की थी रक्षाबंधन से ठीक पहले, अब इसे 300 रुपए कर दिया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव में वो होगा जो आपने कभी नहीं देखा। मोदी के सामने लड़ेंगे गहलोत चुनाव, कांग्रेस सरकार नहीं अब गहलोत सरकार का नारा। राजस्थान में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव साल 2013 और 18 के चुनावों से काफी अलग है। ये चुनाव 3 महीनों में अलग हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी के सामने राहुल गांधी नहीं गहलोत चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रदेश की यदि आज की टॉप 10 बड़ी खबरें, मिलते हैं नहीं तमाम बड़ी